जय श्री राम। प्यारे भक्तों, प्यारे भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में मिल जाए यह एक संकेत तो समझ लीजिए आपके बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। प्यारे भक्तों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं उनको हम बता देते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। ब्रह्म का मतलब परमात्मा और मुहूर्त का मतलब समय, यानी कि ये परमात्मा का समय होता है। उस समय पर परमात्मा वातावरण में विचरण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम देखो सब अलग अलग बताएंगे। कोई बताएगा 3 से 5:30, कोई बताएगा 4 से 5, कोई बताएगा सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले। लेकिन इसका जो परफेक्ट टाइमिंग होता है ना, वो होता है 3 से 5 का। 3 से 5, चाहे तो आपको स्वप्न में ये संकेत मिल जाए, या फिर भजन ध्यान के दौरान, नाम जप के दौरान आपको ऐसा संकेत मिल जाए, तो ये निश्चित है। चाहे आप इसको लिख लीजिए कि आपका अच्छा समय आने से कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकती। 3 से 5 अगर आपको स्वप्न आ गया, क्योंकि सुबह का स्वप्न तुरंत फलीभूत होता है, और आपको स्वप्न में स्वयं या तो गुरुजी या फिर भगवान के दर्शन हो जाएं स्वप्न में, और दर्शन होके वो आपको आशीर्वाद दे और वो आपको ऐसा बोले, अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तेरे साथ मैं हूं, और भगवान स्वयं बोले, आशीर्वाद दे आपको कि डरो मत, चिंता मत करो, अब आपका अच्छा समय आ गया है और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, जो भी तू फैसला लेगा, जो भी तू कार्य करेगा उसमें तुझे सफलता ही सफलता मिलेगी। या फिर खाली आशीर्वाद भी दे दिया ना उन्होंने, आपके सिर पे हाथ रख दिया या जुबान से बोल दिया, किसी को किसी तरह से दिख सकता, किसी को किसी तरह से। तो प्यारे भक्तों, चाहे गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दे दे, चाहे भगवान जी दे दे, कोई भी भगवान का रूप हो, चाहे आप किसी को भी मानते हैं और कोई दूसरे भी भगवान जी, जैसे कोई कृष्ण को मानता है, राम जी दिख जाए, शिव जी दिख जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान तो रूप तो उसके अनेक है, तत्व तो वो एक ही है ना, वो किसी भी रूप में आपको दिख सकते हैं। तो ये समझ लीजिए आपके अच्छे दिन निश्चित ही आने वाले हैं। या फिर सुबह 3 से 5 के समय में, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जब आप नाम जप या भजन ध्यान करते हैं, तो उस समय तो भगवान के आपको दर्शन हो जाए ध्यान में, और भगवान आपको दर्शन होने ही काफी है ध्यान में, तो बस वो आशीर्वाद ना भी देना और उन्होंने दर्शन दे दिए, तो भी समझ लीजिए कि आपके अच्छे दिन निश्चित ही आएंगे। या फिर आपके अंदर से ऐसी आवाज आए अंतर्मन से कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, अब आपका अच्छा समय आने वाला है, आपकी सभी चिंताएं दूर होने का समय आ गया है, आपकी अब सभी इच्छाएं पूरी होने का समय आ गया है, तो प्यारे भक्तों यकीन मानिएगा कि आपके ऐसे अच्छे दिन आएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इससे बड़ा शुभ संकेत कुछ हो ही नहीं सकता, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप यकीन मानिएगा, अगर आपको ऐसा स्वप्न आ जाए तो निश्चित ही निश्चित आपके अच्छे दिन आएंगे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और भगवान ने स्वयं आशीर्वाद दे दिया है। और प्यारे भक्तों, हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, आप उसकी वीडियो देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्यारे भक्तों,